हेलो गाइस, रेसिडेंट एवल विलेज में अगर आपको भी स्क्रीन पर दिख रही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो इसके लिए सिंपल सी सेटिंग है। आपको किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो सेटिंग आपको करके दिखाने वाला हूं और आप भी कर लीजिए, आपका भी गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और जिसका नाम आपको देना है स्टीम, और फिर इसी फोल्डर को आपको ओपन करना है और इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम आपको देना है यूज़र डाटा, और फिर इसके बाद आपको इसी फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको देना है 418370, और फिर इसी फोल्डर को आपको ओपन करना है, इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको देना है रिमोट, और फिर इसी फोल्डर को आपको ओपन करना है और इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको देना है विंडोज 64 सेव। और हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और इसको हम यहाँ से कट करेंगे और ये रही हमारी फाइल, और हम इसी फाइल को करेंगे कॉपी और हम अपने डिस्क पीसी को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोकल डिस्क सी को खोलेंगे और इसमें हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल 86 को ओपन करेंगे और हमको यहीं पर इसको पेस्ट करना है और ये पेस्ट, और ये यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है और ये हमारी फाइल जो है इसमें फिट हो चुकी है और इसको हम यहाँ से कट करेंगे और हम अपना गेम जो है वो ओपन करते हैं। और हमारा गेम जो है फाइनली ओपन हो चुका है और हम इसको आपको आगे भी करके दिखा सकते हैं। देखिए हमारा गेम जो है ओपन हो चुका है और आपका भी गेम ओपन हो चुका होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका गेम ओपन नहीं होता है तो भाई एक बार आपने जो फोल्डर क्रिएट किए हैं उसके नाम जो है आप भाई नामों की स्पेलिंग को चेक कर लेना, वरना आप भाई उसमें मिस्टेक कर दें और कमेंट में गालियां लिख दें, ये अच्छा नहीं है। तो चलते हैं, गुड बाय।